महा महोत्सव है। पिछले दिन दीपावली उत्सव मनाया गया। इस दीपावली के साथ ब्रजवासियों ने गिरिराज जी का अन्नकूट महा महोत्सव मनाया। तो आज गिरिराज अन्नकूट महा महोत्सव में आज हमारे देश विदेश के सभी लोग सम्मिलित हुए, जो कि संख्या में 3000 से ऊपर है। इसमें हमारे ब्रज पे ये गिरिराज जी की जो पूजा है, भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र के गर्भ को खर्ब करते हुए उन्होंने ब्रजवासियों द्वारा गिरिराज जी की पूजा करवाई। साथ ही साथ गौ माता की पूजा हुई, गाय बैल की, पेड़ पौधों को और गिरिराज जी को सम्मानित किया गया। ब्राह्मण सज्जन आदि वृद्ध जनों को, गुरुजनों को सम्मानित किया जाता है। भगवान कृष्ण ने सिखाया, गाय हमारी माँ है, एक जननी मातृ जन्मदाता जन्मदात्री माँ 5 बरस तक बच्चे को दूध पिलाती है, परंतु हम जीवन भर 100 बरस जीवित रहते हैं तो 95 बरस हम गाय का दूध पीते हैं। हम कहीं बाघ का, शेर का दूध पीने नहीं जाते, केवल गाय के दूध पर ही निर्भर होता है। हमारे जीवन में जितने भी खाद्य सामग्री हैं, भोजन सामग्री, उनमें से आधा सामान जो है केवल गाय के दूध से ही होता है, क्योंकि दूध, घी, मक्खन और मिठाइयाँ, दुनिया भर के चीज गाय के दूध से ही बनता है। तो इसलिए गाय हमारी माँ है और बैल हमारे पिता है, जिनके बिना जमीन नहीं जोत सकते और ना ही कोई खेतीबाड़ी फसल हो सकता है। अतः गाय बैल को आदर सम्मान दें, माँ की तरह उनको पूजें। और जो कोई व्यक्ति बड़े बड़े धार्मिक कहलाने वाले अपने को धार्मिक कहलाता है और धर्म के अंधविश्वासी बनते हैं, पर समाज के व्यक्तियों को मानते नहीं है, गुरुजनों को, बड़े जनों का आदर नहीं करते, जो गाय बैल फल फूल आदि को समाप्त करते हैं, उजाड़ करते हैं, उनको कोई धार्मिक नहीं कहा जाता है। वो धर्म के अंधविश्वासी बन करके दूसरों का घात करते हैं। इसलिए भगवान बोले, हम बड़ों का सम्मान दें, बड़ों का आदर करें, उनके आशीर्वाद से हमें हमारा जीवन फलता फूलता रहेगा। इसलिए भगवान ने गिरिराज जी की पूजा करवाई और गिरिराज गोवर्धन की पूजा करवाते हुए अन्नकूट महा महोत्सव भोग लगाया। आज के दिन में हमारे गुरुओं का कहना है, एक भी अन्न का दाना गिरिराज जी को भोग लगाया जाता है तो जीवन में अन्न की कभी कोई कमी नहीं होती है। इसलिए 365 दिन के एक बरस में हमारे पास जितने भी भोजन सामग्री, जितने प्रकार की कलाएं हैं, उन सभी कलाकृतियों के साथ भगवान का भोग लगाए, बनाए और प्रसाद खाए। सभी लोग आनंद में नाचे गाए। हमारे ब्रज के देवता है, जागृत देवता है गिरिराज महाराज, जो कि लाखों करोड़ों करोड़ों व्यक्तियों को परिक्रमार्थी जो परिक्रमा करते हैं, उन सबको मनोकामना पूर्ण करते हैं, सबकी इच्छा अभिलाषा पूर्ण करते हैं। अतः ब्रज के मान्य रूप में यह प्रसिद्ध है गिरिराज महाराज जागृत देवता है। आज के इस उत्सव में, सम्मेलन में जो हमारी ब्रज यात्रा चलती है, इस ब्रज यात्रा के अंदर में कम से कम 3000 से ऊपर जो लोग आए हुए हैं, इनमें से विश्व के कोने कोने से हर एक राष्ट्र से लोग आए हुए हैं, जिसमें चाइना, रशिया, अमेरिका, कनाडा, साउथ अमेरिका, उधर में मेक्सिको, कोस्टारिका, ब्राजील, बलिविया, अर्जेंटीना तक, इधर साउथ अफ्रीका के भी लोग हैं और यूरोप कंट्री के जर्मन, फ्रांस, स्पेन और स्विट्जरलैंड, इटली और स्वीडन, नॉर्वे तक सब जगह के लोग आए हुए हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग रशिया के और चाइना के भी बहुत लोग आए हुए हैं, मलेशिया, सिंगापुर, और बाली, जावा, सुमात्रा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी के भी लोग आए हुए हैं और भारत के साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया सब और ईस्ट इंडिया के लोग बहुत मात्रा में हैं, बांग्लादेश के भी लोग आए हुए हैं।
इस तरह से सभी लोग बड़े उत्साह से आज गिरिराज के इस अन्नकूट महामहोत्सव को मनाया। यह केवल ऐतिहासिक नहीं पारंपरिक रूप में भगवान कृष्ण ने एक शिक्षा के बतौर समाज के लिए एक अनुदान दिया है जो हम बड़ों का आदर करना सीखें। हमारे संसार में हमारे देश में यदि पहाड़ पर्वत नहीं रहेगा तो बरसात कहाँ से आएगी? बरसात नहीं होगी, पेड़ पौधे नहीं होंगे, हरियाली नहीं होंगी तो बरसात भी नहीं होगी, सब मरुभूमि बन जाएगा। इसलिए भगवान ने पेड़ पौधों को बचाने को उपदेश दिया, सलाह दिया, और भगवान ने गिरिराज की ऐसे पर्वतमालाओं की सुरक्षा के लिए उपदेश दिया। बिना पर्वतमालाओं के बादल नहीं टकराएगा, पानी नहीं बरसेगा, बिना पेड़ पौधों के बादल को कौन खींचेगा? अतः हमारे देश में पेड़ पौधों की अति आवश्यकता है, हरियाली वन प्रदेश की आवश्यकता है, पहाड़ पर्वत की भी आवश्यकता है। इसी वजह से आज गिरिराज जी का यह अन्नकूट महामहोत्सव जो विशेष आदर के साथ में मनाया जा रहा है। महाराज जी आपका नाम बताइए इसमें। मेरा नाम है भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज, जो मैं इस मंदिर में सेवक के रूप में, एक छोटा सा सेवक के रूप में सेवा करने के लिए हमें अधिकार दिया, जो गुरु जी ने आदेश दिया उन्हीं के आदेश से वैष्णवों की सबकी सेवा करने को मौका मिलता है। सेवक के रूप में एक छोटा सा सेवक श्री भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज।